सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दृष्टि माइनिंग को, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि माइनिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट सेल की तरफ से जारी किया गया वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप भी जान सको कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है और कितनी निकली हुई है और इसे अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी स्टार्टिंग डेट कब से है और एंडिंग डेट कब से है हम पूरा जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करेंगे बाकी ही ये वैकेंसी आया हुआ है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अधिकांश फर्जी नोटिफिकेशन बहुत वायरल होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम क्रोम ब्राउजर में जाकर इसे डेस्कटॉप मोड में सेट कर लेना, ठीक है। गूगल में सर्च करना सेल डालकर, तो नीचे आ जाएगा सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके, तो उसको क्लिक करके आप फर्स्ट साइड में ही क्लिक कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। पेज खुलेगा फ्रेंड्स, ये खुल गया है हमारा सेल। चलिए, सेल की वेबसाइट खुल चुकी है फ्रेंड्स। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह एक महारत्न कंपनी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, वैकेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जाइएगा कैरियर वाले ऑप्शन में। कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी अभी करंट में ओपनिंग वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा वो वहाँ पे शो कर देगा। तो हम चेक करते हैं, चलिए अगर बाकी ही वैकेंसी आया हुआ तो वहाँ पे हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, नीचे आइएगा जॉब ओपनिंग में और यहाँ पे देखिएगा जॉब्स में। यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट दिखा रहा है राउरकेला स्टील प्लांट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टेक्निकल पोस्ट इन राउरकेला स्टील प्लांट के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है फ्रेंड्स, ये राउरकेला प्लांट के लिए वैकेंसी आया है। तो आपको फर्स्ट वाले में क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर इसके बाद हम नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बाकी ही वैकेंसीज आया हुआ है। तो हम इसको अब पूरा कंप्लीट जानेंगे फ्रेंड्स, कब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। चलिए, इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, सेल के बारे में। सेल मींस फ्रेंड्स, सेल का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेल अथॉरिटी इंडिया ऑफ लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी है फ्रेंड्स। यह जो वैकेंसी है राउरकेला स्टील प्लांट के लिए है ओडिशा में, ठीक है फ्रेंड्स। और यह जो एडवर्टाइजमेंट है फ्रेंड्स 29/8/2022 को जारी किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैकेंसी आया हुआ है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। सेल जो है एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड लीडिंग स्टील मार्केट कंपनी इन इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ऑल इंडिया ओवर से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वेरियस पोस्ट दी हुई है फ्रेंड्स राउरकेला के लिए स्टील प्लांट में। तो चलिए, वैकेंसीज के बारे में जान लेते हैं। चलिए, डिटेल्स ऑफ पोस्ट, इसमें एग्जीक्यूटिव की इसमें पोस्ट है फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत असिस्टेंट मैनेजर की। इसमें 8 पोस्ट दी हुई फ्रेंड्स और आप कैटेगरी वाइज चेक कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यदि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर हो तो इसके लिए वैकेंसीज फ्रेंड्स देख सकते हो आप 39 पोस्ट आया हुआ है। इसके बाद है फ्रेंड्स माइनिंग फोरमैन, देखिए फ्रेंड्स माइनिंग फोरमैन की 24 वैकेंसी आया हुआ है। तो ये मौका आप छोड़ना नहीं फ्रेंड्स, वैसे भी वैकेंसीज कम आता है फ्रेंड्स, तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फ्रेंड्स जरूर अप्लाई कर देना। हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी नीचे जानेंगे नोटिफिकेशन को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सर्वेयर की, सर्वेयर के लिए फ्रेंड्स 5 वैकेंसी आया हुआ है। और माइनिंग मेट की, देखिए फ्रेंड्स माइनिंग मेट की 55 वैकेंसीज आया हुआ है, तो इसे जरूर अप्लाई कर देना, कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है फायर ऑपरेटर की, तो ट्रेनिंग के लिए है 25, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पोस्ट है फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है 36 वैकेंसीज है, ठीक है। नेक्स्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए HMV हैवी मशीन व्हीकल के लिए है फ्रेंड्स 30 पोस्ट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पोस्ट और देखते हैं फ्रेंड्स, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग वाले के लिए है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो मैकेनिकल के लिए 15 है और मेट्रोलॉजी के लिए 15 है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 40 है, सिविल वाले के लिए 5 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए फ्रेंड्स 5 है, ठीक है। तो
आप इसके लिए अगर आप एलिजिबल हो तो फ्रेंड्स जरूर वैकेंसी को अप्लाई कर देना, ठीक है। इसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए देखिए फ्रेंड्स वैकेंसी है, फिटर के लिए 9 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 10 है और मैकेनिस्ट वालों के लिए 12 वैकेंसी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप पूरा अच्छे से डिटेल्स देख लेना और मैं इसकी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हो तो आप ज्वाइन जरूर हो जाना, वो डाउनलोड करके और अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए जानते हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, चलिए पोस्ट वाइज देखते हैं और क्वालिफिकेशन मैन, ठीक है फ्रेंड्स क्या होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन बीटेक होना चाहिए फुल टाइम, और वो भी एनी ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसमें 2 ईयर्स आफ्टर रिक्वायरिंग डिग्री इन, ठीक है फ्रेंड्स। और मिनिमम क्वालिफिकेशन इन मार्क फ्रेंड्स असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो आपका डिग्री है उसमें 65% होना ही चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंटल वालों के कैंडिडेट के लिए 55 और अनरिजर्व वालों के लिए 65, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन वालों के लिए फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है। या फिर आपको फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी वाला भी हो तो चल सकता है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट माइनिंग फोरमैन के लिए फ्रेंड्स देखिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ वैलिड माइंस फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR 1961 फॉर मेटलिफेरस माइंस के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट अप्रूव्ड होना चाहिए, और साथ में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग माइंस फॉरमैन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी। इसके लिए ये क्वालिफिकेशन है माइनिंग फोरमैन के लिए, तो आप जरूर से अप्लाई कर देना। चलिए नेक्स्ट सर्वेयर के लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हो माइनिंग वालों के लिए देखिए फ्रेंड्स माइनिंग फोरमैन हो गया फिर माइनिंग मैट हो गया, तो माइनिंग मैट वालों में कौन कौन अप्लाई कर सकता है देखिए क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन विथ वैलिड माइंस मैट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR 1961 और मेटलिफेरस माइंस के तहत सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग माइंस मैट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपको जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो MMR 1961 DGMS द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपके पास है ये क्वालिफिकेशन तो आप जरूर अप्लाई कर देना। इसकी इम्पोर्टेंट डेट है फ्रेंड्स 6/9/2022 से स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, आज से काउंट किया जाए तो 6 दिन ही बचा हुआ है आपके पास, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी क्लोजिंग डेट फ्रेंड्स 30/9/2022 तक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इम्पोर्टेंट डेट याद रखना, जब से स्टार्ट हो फ्रेंड्स तो इसे आप जरूर अप्लाई कर देना अगर आप इसके लिए क्वालिफिकेशन हो डिफरेंट पोस्ट के रिलेवेंट। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो फ्रेंड्स आप लास्ट डेट से पहले जरूर अप्लाई कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर किसी को इस नोटिफिकेशन को फुल डिटेल से पढ़ना है तो फ्रेंड्स PDF को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा फ्रेंड्स, और आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर टेलीग्राम में आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स, आप वहां से भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, ताकि अगर वो भी इन पोस्टों में किसी पोस्ट के लिए अगर क्वालिफिकेशन रखता है तो वो भी अप्लाई कर सके टाइम से पहले, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।